अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातोश्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यंध सिंदुर विदानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय कहा गया है और पुरुष शब्द का अर्थ होता है आत्मा। इसका मतलब यहाँ जो चर्चा की जा रही है वह आत्मा की सिद्धि के उपाय के संदर्भ में की जा रही है। आत्मा हम सभी हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि जीव मात्र के उपकार के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। इस जीव का प्रयोजन कैसे सिद्ध हो सकता है, यह जीव कैसे मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकता है, इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति किस तरह से हो सकती है, उसकी विधि और प्रक्रिया में श्रावक अवस्था भी अनिवार्य रूप से आती है और मुनि अवस्था भी आएगी। सबसे पहले क्योंकि मुनि अवस्था बाद में आएगी तो पहले श्रावक अवस्था अंगीकार करनी है और उस श्रावक अवस्था में यह जीव अपने जीवन को परिष्कृत और निर्मल बनाता है। उस निर्मलता के अंतर्गत यह जीव अहिंसा का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, अचौर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण का पालन करता है। जब यह चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई तो प्रारंभ में ही अमृतचंद्र स्वामी ने कह दिया कि भाई यहाँ जो हम बात आपके बीच में कर रहे हैं वो अहिंसा की मुख्यता से करेंगे। अहिंसा चूंकि यहाँ हमारे जैन परंपरा में परम धर्म है, क्योंकि अहिंसा परम धर्म है, इसलिए अहिंसा या परम धर्म से विपरीत जो कुछ भी होगा वो सब पाप होगा और उन सभी पापों में हिंसा भी लागू होगी। कल जो प्रकरण हमने यहाँ चलाया था उस प्रकरण में अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष का निराकरण किया था चोरी के संबंध में हिंसा घटित करते हुए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ क्या कह रहे हैं हम, चोरी के त्याग के प्रकार, ये प्रकरण यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 130 नंबर यह पेज है, चोरी के त्याग का प्रकार, 106 नंबर का श्लोक है। देखिए कोई विशेष बातें नहीं है लेकिन सिर्फ इतना ही समझ लेना चाहिए, जिस तरह से हिंसा का त्याग दो प्रकार से बताया गया श्रावकों के जीवन में और मुनिराजों के जीवन में, जिस तरह से झूठ का त्याग दो प्रकार से कहा गया एक श्रावकों के जीवन में एक मुनिराजों के जीवन में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो प्रकार से चोरी के त्याग की बात कर रहे हैं, एक श्रावकों के जीवन में और दूसरा मुनिराजों के जीवन में। तो दोनों प्रकार से यहाँ त्याग कराएंगे। मुनि जीवन का त्याग मुनि अवस्था में जाकर के होगा और गृहस्थ जीवन में किया जाने वाला त्याग हम सबके जीवन में होना चाहिए, ऐसी बात कह रहे हैं। 106 नंबर के श्लोक में चोरी के दो प्रकार बतला दिए, एक अणुव्रत रूप और एक महाव्रत रूप। देखिए
असमर्थाये कर्तुम निपान यो तो यादि हरण विनिवृत्तिम तैरपि समस्तमपरम नित्यमदत्तम परित्याज्यम। अन्वयार्थ, ये माने जो जीव निपान तो यादि हरण विनिवृत्तिम दूसरे के कुआ बावड़ी आदि जलाशयों का जल इत्यादि त्याग कर्तुम असमर्था करने में असमर्थ है। अब दुनिया है, सब तरह के लोग हैं, यहाँ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो दूसरे की कुएं बावड़ी के जल को लेने का त्याग करने में असमर्थ हैं। लेना पड़ता है, लेंगे ही वो, क्योंकि परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की होती है कि पूरी तरह से त्याग नहीं किया जा सकता है। तय अपि उन्हें भी अपरम माने अन्य समस्तम अदत्तम सर्व बिना दी हुई वस्तुओं के ग्रहण करने का नित्यम परित्याज्यम हमेशा त्याग करना योग्य है। पेज नंबर 130 और गुजराती वाली पुस्तकों में था 89। माने जो व्यक्ति पूरी तरह से चोरी का त्याग नहीं कर सकते हो, उन्हें भी कम से कम यहाँ जल और मिट्टी के बिना तो बाकी चीजों के लेने का त्याग कर देना चाहिए। देखिए बातें लिखी है 1000 वर्ष पुरानी, देखिए बातें यहाँ कही गई है अमृत चंद्राचार्य 1000 वर्ष पहले हुए, और जो व्याख्याकार टोडरमल जी साहब हैं ये लगभग हुए 250 साल पहले। तो माने जितनी भी बातें यहाँ कही जा रही है ये सारी बातें लागू होगी पुराने जमाने के हिसाब से, और आज के समय में जब हम देखते हैं तो परिस्थितियाँ इतनी विकट हो गई है कि आज तो किसी के यहाँ से पानी लेना भी वो योग्य नहीं है बिना पूछे। ये तो वो जमाना था जिस समय पानी मुफ्त में मिला करता था, जगह जगह सार्वजनिक कुएं हुआ करते थे, जलाशय हुआ करते थे, बावड़ियां हुआ करती थी, मिट्टी तो ढेरों रहती थी चारों तरफ, क्योंकि चारों तरफ मिट्टी मिट्टी थी, कोई बाधा नहीं थी। लेकिन आज का जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि यदि आज यदि ये टोडरमल जी या समझ लीजिए अपने दौलत राम जी या अमृत चंद्राचार्य इस संबंध में कुछ भी लिखते तो जल और मिट्टी की छूट भी नहीं देते, फिर ऐसा कहते सार्वजनिक स्थानों के जल और मिट्टी के बिना। आज किसी के नल से आप पानी भर लो, आज पानी मुफ्त में कहाँ मिलता है, आज पानी कितना महंगा हो गया है ये किससे छिपी है बात। 1 लीटर पानी 15 रुपए का मिलता है मार्केट में, 20 रुपए का मिलता है, बोतलें मिलती है, बिस्लेरी की बोतलें बिकने लग गई है। आज के 30 साल पहले जब ये बिस्लेरी का बिजनेस शुरू हुआ था तो लोगों ने कहा था कि कौन खरीदेगा, कोई पागल है, पानी भी खरीदेंगे, पानी की बोतलें भी कोई बिकेगी क्या। और आज जाकर के देखिए आप एसी कोच में चले जाओ तो हर व्यक्ति के हाथ में आपको बिस्लेरी नजर आई। ये क्या स्थिति बन गई है, क्या पानी के कमंडल की मापिक है। मैंने हर व्यक्ति के पास में अपना पानी, अपनी पानी की बोतल नजर आएगी। पानी कितना महंगा हो गया है, मिट्टी किसी की ले नहीं सकते हो आप आज के समय में, आप किसी के नल से पानी नहीं ले सकते हो, क्योंकि पानी आता ही इतना कम है। जब पूरे देश में पूरी दुनिया भर में पानी का अकाल पड़ रहा है, पानी की कमी हो गई है, ऐसे में जो पानी नलों में आता है सरकारी म्यूनिसिपैलिटी का क्या कहेंगे उसे, जो निगम से, जो नगर निगम से जो पानी आता है वो पर्याप्त मात्रा में कहाँ आता है वो पानी। और आप किसी के नल से एक मटका एक घड़ा पानी भर के ले आओ तो ये चोरी है भाई साहब, लेकिन कब, बिना पूछे। यदि आपने पूछ करके किया है तो फिर उसमें चोरी का पाप नहीं लगेगा। आप पूछ लीजिए साहब एक घड़ा पानी आपके यहाँ से ले सकते हैं क्या, यदि वो स्वीकृति देता है तो आप ले लीजिए, और मना कर रहे आप चोरी छिपे ले रहे हो, देख तो नहीं रहा है ले लो, तो वो चोरी की श्रेणी में चला गया। अभी तो पंचम गुणस्थानवर्ती व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, अभी जल और मिट्टी लेने की छूट रखी थी, श्रावकों के लेवल पर बात कर रहे हैं, अभी इस बात को हम हमारे लेवल तक ले जाओ तो क्या क्या चोरी नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर की चोरी हो रही, लाइट की चोरी हो रही है, आज बिजली चोरी नहीं हो रही है, आज इंटरनेट चोरी नहीं हो रही है, बतलाइए मुझे।
लोगों के पासवर्ड पूछ करके आप कुछ भी चीज को डाउनलोड कर लेते हो, तो क्या ये इंटरनेट चोरी नहीं है? कल मैंने मैसेज वगैरह चोरी करने के संदर्भ में कहा था, आलेख वगैरह चोरी करने के संदर्भ में कहा था, आर्टिकल चोरी करने के संदर्भ में कहा था। ये तो मैं स्वाध्याय लिखने पढ़ने वाले लोगों के लेवल की बात कर रहा हूँ। फिर ग्रंथों की चोरी हो जाती है, दुर्लभ ग्रंथ यदि कहीं दिखाई देते हैं तो ये अपने पास में ले आता है, उठा करके रख लेता है, उसे वापस लौटाता नहीं है, उसको देने वाला भूल जाता है दे करके, और बाद में अपने घर में तलाशता रहता है। उसके कितने प्राण पीड़ित होते होंगे उसमें कि यार ये ग्रंथ मेरे पास में था, पता नहीं किसको दे दिया, मैं भूल गया। लोगों की डायरी ले लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं, व्यक्ति के व्यक्तिगत बनाए हुए नोट्स थे। अब ये तो आप PDF बना करके, नाम लिख करके, जो जिस तरह से भेज रहे हैं, लोग भेज देते हैं और हम डाल देते हैं, वो उसमें दोष नहीं है, लेकिन किसी की पर्सनल डायरी थी, किसी के पर्सनल नोट्स बने हुए थे और वो ले लिए किसी ने, चले गए। मेरी कई पुस्तकें, मेरी खुद की, मैं स्वयं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं आपसे, जिनके ऊपर मेरी कई बातें लिखी हुई थी, मैंने बहुत सालों पहले, मैंने कोई 20 साल पहले अपनी एक जिनेंद्र अर्चना नामक पुस्तक में मैंने सारी चीजें, एक एक शब्दों के अर्थ, जो पुराने अर्थ पुरानी भाषा वाले हैं, वो सब नोट किए थे और चलाया था उसको हमारी सभा में। वो कहीं किसी जगह पर चले ले गया कोई व्यक्ति, हो गायब हो गई, अब वो नहीं है। तो अभी ये भी इस तरह की भी चोरी होती है ना, जो अपने को चोरी जैसी दिखती है। अरे इसमें क्या है, इनमें क्या फर्क पड़ गया, अब किताब में क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया, माने। और अब इससे थोड़ा बाहर निकलो तो मिलावट करना है, जिस बिजनेस में आप हैं उसमें डुप्लीकेट माल खरीद लेना, डुप्लीकेट माल देना, डुप्लीकेट पार्ट्स लगा करके बेच देना, ओरिजिनल पार्ट्स को निकाल लेना। अरे अरे मैं क्या बतलाऊं, वर्तमान की स्थिति, इस कोरोना की परिस्थिति में ऐसे केस सामने आए, मैंने बतलाया था सभा में, थोड़ी ना बतलाया था मैंने, मैं ऐसे केस सामने आए, न्यूज़पेपर की घटना बतला रहा हूं। ऐसे डॉक्टर्स पकड़े गए हैं जिन जिनके पास से 125 किडनियां निकाल ली बॉडी में से, बोलवा किडनी की चोरी। ऑपरेशन करते हुए डॉक्टरों के द्वारा बॉडी के पार्ट्स अंदर से निकाल लिए जाते हैं। किस लेवल पर चोरी हो जाती है दुनिया में, चोरियां हो रही है। अभी डेड बॉडी देखने को तो मिलेगी नहीं आपको, एक इंजेक्शन लगाया और व्यक्ति बेहोश हो जाता है, और बाद में कह दिया कि वो मर गया और उसके पार्ट्स निकाल लिए अंदर से। 125 डेड बॉडी ऐसी है जिनमें से ये निकाल लिए गए हैं, बोलो। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, हिंदुस्तान है यहाँ, क्या क्या नहीं होता है, किस तरह के अनर्थ, किस तरह की चोरियां नहीं होती है। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं जो दूर दूर तक भी हमारे को इस तरह की बातों का कोई विकल्प नहीं आता। मैं बताया था शायद, मैंने सभा में बताया होगा, हो सकता है। हमें तो दूर दूर तक इस तरह की बातों का विकल्प भी नहीं आता है। ये डॉक्टर हैं या डाकू हैं, डॉक्टर कहें या डाकू कहें, बोलो, ख्याल में नहीं आता है। लेकिन क्या करें, पढ़ाइयां इतनी महंगी हो गई है, एडमिशन के नाम पर इतनी इतनी रिश्वत ली जाती है। हमारे मित्र हैं राजेश जी, उनकी पुत्री का मेडिकल में एडमिशन होना था, बोलो 80 लाख रुपया मांगते हैं एडमिशन के लिए, क्या करो। अब 80 लाख रुपया देकर के जो कॉलेज में एडमिशन लेगा, 2-5 साल पढ़कर जब डॉक्टर बन के निकलेगा, तो वो डॉक्टर बनेगा या डाकू बनेगा, क्या होगी हालत। बहुत बहुत हालत खराब है, लेकिन हम बहुत बचे हुए हैं कि हमें ये तत्व ज्ञान मिल गया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम कम से कम चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं। अदरवाइज इस तरह की बातें करने वालों को लोग फालतू समझता है, ये इस तरह की चर्चाएं करना तो रिटायर्ड लोगों का काम समझता है, ये तो रिटायर्ड लोगों का काम है, ये तो फालतू लोगों का काम है। अरे यार क्या धर्म की चर्चाएं लिख के बैठ गए, अरे फालतू बकवास मत करो आप इस तरह की। डुप्लीकेट दवाएं चल रही है, लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, सफेद वस्त्र में काले काम कर रहे हैं, जिग्नेश भाई क्या करें, ये है स्थिति। चलिए यहां तो जल और मिट्टी की जो बात इन्होंने कही है उसके संदर्भ में मेरे को, तो प्रथमानुयोग परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है,
कथा जो बतलाई गई है सो सत्य है। अब बात करो चरणानुयोग की, अब चरणानुयोग की स्थिति कैसी है कि चरणानुयोग में भी देश काल परिस्थिति के अनुसार आचरण पालन का उपदेश दिया जाता है, ये चरणानुयोग। मोटा मोटा तो बात वही रहेगी कि जमीगंध के अंदर अनंत जीव है, अनंत काय कहलाता है जमीगंध, त्रसघात बहुघात ये मूल मुद्दे तो वही रहेंगे, लेकिन जैसे काल क्रम के अनुसार अष्ट मूल गुणों की चर्चा करो तो अलग अलग ग्रंथों में आपको अलग अलग अष्ट मूल गुणों की चर्चाएं मिल जाएगी। आपको अष्ट मूल गुणों में रात्रि भोजन त्याग की चर्चा भी मिलेगी, आपको अष्ट मूल गुणों में पानी छान करके पीने की चर्चा भी मिलेगी, अश्रावक के अष्ट मूल गुणों में नित्य देव दर्शन की चर्चा भी मिलेगी, और कहीं बहुत स्थूल रीति से पालन करने की बात कहेंगे तो पांच उदंबर फल का त्याग और मध्य मांस मधु का त्याग, इतना मात्र। तो चरणानुयोग देश काल परिस्थिति के हिसाब से मॉडिफाई होता रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। बात यदि मैं द्रव्यानुयोग की करूं तो द्रव्यानुयोग में भी कभी प्रयोजन की अपेक्षा से राग को आत्मा का कह दिया जाता है और कभी प्रयोजन की दृष्टि से राग को पुद्गल का कह दिया जाता है, और दोनों ही कथन द्रव्यानुयोग के हैं, प्रयोजन की अपेक्षा से कह दिया। अब करणानुयोग में तो 1+1 ही होगा भाई साहब, करणानुयोग के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी काल हो कोई भी परिस्थिति हो कैसा भी हो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां जो ये चरणानुयोग चल रहा है इसलिए मैंने इस तरह की बात कही कि किसी व्यक्ति को ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं हो कि आप जल और मिट्टी की जब छूट गई है तो उसे आप चोरी में कैसे शामिल कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जमाना ही वो नहीं रहा, समय उस प्रकार का नहीं है ना। नीचे पढ़ रहा हूं देखो, अन्वय अर्थ तो पढ़ लिया अपने, संस्कृत हटा करके पढ़ लो। जो जीव दूसरे के कुआ बावड़ी आदि जलाशयों का जल इत्यादि त्याग करने में असमर्थ हैं, उन्हें भी अन्य सर्व बाकी की सारी बिना दी गई वस्तुओं के ग्रहण करने का हमेशा त्याग करना चाहिए। हमारे लेवल पर बात कर रहे हैं भाई, हम अपने जीवन में कम से कम 100% त्याग कर देंगे कि बिना दी गई किसी व्यक्ति की चीज को नहीं उठाएंगे, कीजिए। और बड़ी हिम्मत चाहिए उसके लिए, पुरुषार्थ चाहिए भाई साहब। मन बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है मन, देख करके मन ललचा जाता है, किसी वस्तु को देख करके ऐसा भाव बन जाता है कि ये ले लो क्या, ये चीज तो अपने पास भी होनी चाहिए यार, ये कैसी चीज है, ये मिलती नहीं है ये कहीं, ये किताब बहुत अच्छी है, ये किताब यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ वाचनालय के अंदर रखी हुई है, यहाँ पुस्तकालय में है, ये लाइब्रेरी में है, दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ है कि नहीं है। लाइब्रेरी से लाई हुई कितनी पुस्तकें लाइब्रेरियों में दोबारा नहीं जाती है, यदि लाइब्रेरियन संभालने वाला नहीं हो तो, ढंग से संभालने वाला नहीं हो तो। मुनिराजों के आचरण के अंदर परिवर्तन अंश मात्र भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे अरहंतों के मूल गुणों में परिवर्तन नहीं है, सिद्धों के मूल गुणों में परिवर्तन नहीं है, ऐसे ही आचार्य उपाध्याय साधुओं के मूल गुण में भी परिवर्तन नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो देश काल परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है, क्योंकि वे तो मुक्ति के पात्र हैं, उनमें कैसे परिवर्तन संभव है। 28 मूल गुणों में कहीं परिवर्तन का उल्लेख किसी भी देशकाल परिस्थिति में किसी भी आचार्य ने नहीं किया, लेकिन अष्ट मूल गुणों में परिवर्तन की चर्चा आगमों में चरणानुयोग के ग्रंथों में खूब मिलती है। अपना बड़े दादा की एक पुस्तक है सामान्य श्रावकाचार, एक पुस्तक है सामान्य श्रावकाचार के नाम से, उस सामान्य श्रावकाचार में गृहस्थों के अष्ट मूल गुण अलग अलग आचार्यों द्वारा अलग अलग कौन से काल में किस तरह से बदलते रहे उसकी चर्चा उन्होंने की है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि फिर तो देव भी बदलने पड़ेंगे, ये देव शास्त्र गुरु तो श्रद्धा के विषय हैं, उनमें कैसे परिवर्तन हो सकता है। जहां पूज्यत्व का व्यवहार हो वहां परिवर्तन कैसे होगा बतलाइए, पूज्यत्व के व्यवहार में यदि परिवर्तन मानेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। हमने भी तो कहा आपसे आलू की छूट थोड़ी ना दे देंगे आपको वर्तमान काल में देश काल परिस्थिति से। जो अनंत काय जीव है जिनमें त्रस घात होता है, जिनमें बहुघात होता है, जो अनुपसेव्य नशा कारक अनिष्ट है, ये तो जो है सो है, उसमें क्या है। माने जहां अष्टमूल गुणों का जितना दृढ़ता से आप पालन कर सकें उतना पालन करें अष्टमूल गुणों का भी, और दोनों तीनों प्रकार से आप मूल गुणों को देखिए, जहां जहां शास्त्रों में मिलती है
आप मिनिमम तो ये कहा गया है श्रावकों के लिए, मिनिमम से मिनिमम क्वालिफिकेशन श्रावक पन के लिए पंच उदंबर फल का त्याग और मध्य मांस मधु का त्याग, ये मिनिमम 8 मूल गुण कहे हैं। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर चल करके बात करते हैं तो फिर क्या करेंगे, पंच उदंबर फल को एक में ले लिया, एक है पंच उदंबर फल और मध्य मांस मधु तीन, ये तो 4 हो गए। और पांचवें नंबर पर का रात्रि भोजन त्याग, फिर छठे नंबर पर का पानी छान करके पीना, फिर सातवें नंबर पर का नित्य देव दर्शन और आठवें नंबर पर का जीव दया का पालन, ऐसे 8 बनाए। तो विविध विवक्षाएं मिलती हैं शास्त्रों में। यहां देखिए, बिना दी हुई वस्तुओं के ग्रहण का तो हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। हम लोग कर सकते हैं, बहुत कठिन काम नहीं है, हमारी लाइफ में हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नहीं लेंगे ना, बस इतनी दृढ़ता चाहिए ना हमारे को, क्यों क्यों उठाई हमने कोई चीज कि नहीं नहीं हमारे को चाहिए, अब वो व्यक्ति नहीं है, अब क्या करें। कई बार इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है, आप कहीं पर हैं और कोई चीज आपको दिख रही है और आपको जरूरी है, आपको लेकर के जानी है, अब वहां कोई है नहीं, अब क्या करें, हमें निकलना है, अर्जेंट है, अब ऐसी स्थिति है और सामने वाले को कॉल कर रहे हैं वो उठा नहीं रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उस समय आपकी परीक्षा की घड़ी है। क्या उस समय परीक्षा की घड़ी है भाई साहब? इसलिए त्याग करते समय भी बहुत दृढ़ता पूर्वक विचार विवेक होना चाहिए कि हमने किस लेवल का, किस तरह का त्याग किया है। मैंने आपको चाणक्य वगैरह के जो प्रसंग बतलाए हैं, महात्मा गांधी के, इस तरह की जो चर्चाएं बहुत मिलती है, पुराणों में मिलती है, प्रथमानुयोग में मिलती है, लोक कथाओं में मिलती है, सामान्य नीति शास्त्रों के अंदर मिलती है, उन सब बातों को भी हमारे को देखना चाहिए। अरे जिस जगह पर आपका अधिकार नहीं है और वहां आपने अधिकार जमा लिया, वो भी चोरी के अंतर्गत आता है वो क्षेत्र भी, आपने यदि वहां बाड़ा बांध लिया, आपने रोड पर फुटपाथ को बढ़ा लिया, आपने रोड तक टेंट लगा दिया, आपकी दुकान आपका शोरूम है, आपने सामान बाहर तक गवर्नमेंट की जमीन पर लेकर के अतिक्रमण कर लिया, ये सब चोरी है या अतिक्रमण चोरी कहलाता है? और अतिक्रमण की यदि आपको गहराई से व्याख्याएं देखनी हो तो फिर नियम सार देखो, फिर आपको अतिक्रमण की व्याख्याएं जानने को मिलेगी। कुंद कुंदा चाहे कहते हैं, अपने उपयोग और अपनी परिणति को अपने स्वभाव और अपने स्वचतुष्टय से निकालकर बाहर दौड़ाया, इसका नाम अतिक्रमण है। भाई तेरा उपयोग तेरी परिणति से बाहर निकला कैसे? तेरा उपयोग तेरे स्वभाव में जमना चाहिए था, तेरा उपयोग तेरे स्वभाव में लीन होना चाहिए था, तेरे अंतरंग में रहना चाहिए था, और अंतरंग में उपयोग नहीं टिककर दुनिया में गया, बाहर में गया, लोगों के बीच में चला गया, इसका नाम है अतिक्रमण। और जानते हैं इस अतिक्रमण के विरोध में, इस अतिक्रमण प्रवृत्ति के अपोजिट कुंद कुंदाचार्य नियमसार में क्या लिखते हैं? प्रतिक्रमण। नियम सार का एक अधिकार है प्रतिक्रमण अधिकार, और नियम सार की ग्रंथ की रचना कुंद कुंदाचार्य देव ने अपने आप के लिए लिखी है। नियम सार की अंतिम गाथा से ये बात स्पष्ट होती है, वे वहां लिखते हैं ऋणीय भावना निमित्तम, मैंने इस नियम सार ग्रंथ की रचना अपने आप के लिए की है। एक तरफ तो हो गई अपने आप के लिए, दूसरी तरफ आचार्य देव कह रहे हैं अतिक्रमण हो रहा है, तो फिर कुंद कुंदाचार्य देव कौन सा अतिक्रमण कर रहे हैं? प्रतिक्रमण अधिकार लिख रहे हैं अपने आप के लिए, वे कौन सा प्रतिक्रमण कर रहे हैं कि अतिक्रमण उपयोग का बाहर जाना और प्रतिक्रमण उपयोग का बाहर से सिमट कर वापस अपनी परिणति में आ जाना। तो अतिक्रमण बाहर जाना और प्रतिक्रमण लौट करके अंदर में आ जाना, ये प्रतिक्रमण होता है, ये है सच्चा प्रतिक्रमण। हमारा तो अतिक्रमण कहां कहां नहीं हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है, दुकान में हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है, जमीन जायदाद में हो रहा है, एक एक फिट के लिए लड़ मर रहे हैं लोग, ये चोरी नहीं है तो और क्या है, ये पाप नहीं है तो और क्या है, कंट्रोल कीजिए। यहां तक कि हमारे यहां तो जब ये आचौर्य व्रत की भावनाएं भाई गई, शून्यागार विमोचितावास परो परोदाकरण भैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच, ये जो उमा स्वामी आचार्य ने जो 5 भावनाएं कही है तत्वार सूत्र में, आचौर्य अनुव्रत की भावना, उसमें शून्यागार विमोचितावास की बात कही है। और सुनिए गजब की बात कहता हूं, महा मुनिराजों के लेवल पर
यदि मुनिराज किसी जगह पर बैठकर, किसी कमरे में बैठकर, किसी क्षेत्र में बैठकर यदि वे दरवाजा बंद कर लेते हैं तो उन्हें चोरी का पाप लगता है, परिग्रह का पाप लगता है। राजिकारिक हो गया, तो सार्वजनिक स्थान पर बैठेंगे, सब जगह पर बैठेंगे, विशेष रूप से उनके लिए स्थान यदि है कोई बात नहीं, सब अतिक्रमण हो रहा है भाई साहब, वो चोरी है, अधिकार हो गया है। मैंने सुबह कुदेव कुगुरु वगैरह के जो प्रकरण जब चला तो उसमें मैंने इन बातों को थोड़ा बहुत टच किया था कि भाई कहाँ कहाँ होने की संभावना। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ किसी जगह पर, अब इस जगह पर मैं बैठा हूँ, अब यदि मैं उठा और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बैठ गया और मैं ये कहता हूँ कि नहीं नहीं ये तो मेरी जगह थी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उस जगह को अपना बना लिया, यही हुआ ना। आप क्या करते हैं बतलाइए। अरे मैं ये कह रहा हूं, आप पार्क में गए, सार्वजनिक पार्क में गए और सार्वजनिक पार्क में आप वहां जो बेंच लगी हुई है उस बेंच पर बैठ गए, 15 मिनट तक बैठे, कोई आपका कॉल आ गया और आप खड़े होकर के बात करने लगे, अब कोई दूसरा व्यक्ति वहां करके बैठ गया तो आप मना कर सकते हैं उसे? नहीं कर सकते। यदि आप उसे मना करते हैं कि यहां तो मैं बैठा हूं, तो इसका मतलब यह है आप उस जगह पर, अब वो आपका परिग्रह है, आपने उस क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया कि ये मेरा हो गया, ये तो आपका कैसे हो गया। वो सार्वजनिक जगह है, गार्डन है, पार्क है, है जंगल है, किसी भी जगह पर अपन अपना रस्सी बांध ली अपन ने और रस्सी बांध करके उसको अपन ने अपना कर लिया, चोरी कर ली आपने उस जगह की। बोलो, माने मंदिर में भी, मंदिर की जमीन आपने खरीद रखी है क्या? आप रोजाना जिस जगह पर बैठ करके यदि आप पूजन करते हैं, जिस जगह पर, जिस कुर्सी पर बैठ करके आप पूजन करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति वहां आकर के बैठ गया तो, और यदि आप ये कहते हैं नहीं वैसा उठो ये तो मेरी जगह है, तुम्हारी जगह है, मंदिर तुम्हारे बाप का है, बुरे शब्द कह रहा हूं क्षमा करना, अच्छे शब्द नहीं है, लेकिन ये जो बात है ये अच्छी बात है क्या? ये हमारे हमारी जगह हो गई क्या? वो तुम हमारी जगह पर कैसे बैठे? अरे अरे वाह, मंदिर सबका है, सार्वजनिक मंदिर है, तुम पहले आ जाते तो तुम बैठ जाते, तुम आते तो तुम बैठ जाते। लेकिन ये बातें बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन श्रावक के लेवल पर समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, कम से कम ज्ञान का विषय तो हमारे होना चाहिए। हमारे यहां तो जनागम में कुंदकुंदाचार्य यदि चोरी के संदर्भ में लिखे तो कुंदकुंदाचार्य चोरी के संदर्भ में कैसा लिखेंगे बतलाइए? वे चोरी के संदर्भ में लिखेंगे, अरे तेरे आत्मा को छोड़कर परद्रव्य को अपना कहने की जो तेरी वृत्ति है यही तो चोरी है, और इसी चोरी की बात को देखकर बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में छंद लिख दिया सप्त व्यसनों की चर्चा में, प्यार सो पराई सोंझ गई बे की चाह चोरी। ये पर वस्तु को ग्रहण करने की जो चाह है ये चोरी है। हमारा जैन शासन, हमारा जैन धर्म कितना बारीक है, कितना सूक्ष्म रीति से देखता है, इसलिए गलती से भी नहीं, कोई व्यक्ति भूल गया आपको दे करके, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे आगे होकर के दे दें। यदि आप आगे होकर के नहीं देते हैं, कई तरह की परिस्थितियां हैं भाई साहब। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है इस प्रसंग के अंदर, सुना दूं आपको, कहीं पढ़ी थी मैंने, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं, जीवन के लिए कह रहा हूं मैं, समझदारी के लिए कह रहा हूं मैं। देखिए, एक जगह पर एक गांव में कोई पुजारी जी थे और पुजारी जी का स्वर्गवास हो गया। संत महंत महात्मा होते हैं ना इस तरह के, जो मतलब समझ लो हिंदू मंदिरों की बात समझ लो, वैसा समझ लो कोई संभालने वाले इस तरह के। तो अब वो संत महात्मा जी थे, सुनिए कौन सी क्या कह रहा हूं, तो वो जो महात्मा जी थे उनका स्वर्गवास हो गया, तो सारे गांव वालों ने मिलकर के नक्की किया कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, व्यवस्था की जाए। तो पास के गांव में कोई एक महंत महात्मा जी रहा करते थे और वो बहुत ख्याति थी उनकी, बहुत प्रसिद्धि थी। अब बहुत ख्याति और प्रसिद्धि थी उनकी, तो अब ऐसी स्थिति में उनको संदेश भेज दिया गया और वो आए, सब लोग बहुत खुश थे। जब वे आ रहे थे इस गांव में तो एक बस में बैठ करके आ रहे थे
और बस में सफर करते करके आते आते रास्ते में किराए के जो पैसे उन्होंने दिए, और जो कंडक्टर था उस कंडक्टर ने हिसाब करते हुए 10 रुपए ज्यादा दे दिए। हिसाब करते हुए अब 10 रुपए ज्यादा दे दिए, अब पंडित जी का मन थोड़ा सा खराब हो गया। चुपचाप अब उसने दिए, इन्होंने रख लिए, इनको पता भी लग गया 10 रुपए ज्यादा है, खुले नहीं थे, जो कुछ भी स्थिति थी रख लिए इन्होंने। अब मन में अब 10 रुपए की बात है, 100 रुपए समझ लेना, अपने अपने लेवल पर समझ लेना, जिस लेवल की चोरी करने में जो व्यक्ति समर्थ है। लेकिन साहब आपने रख लिया, उन्होंने और रख लिया और चलते रहे चलते रहे। अब पंडित जी के मन में बार बार में देऊं कि नहीं देऊं, यार 10 रुपए रख लो यार, भगवान के काम से जा रहा हूं और मुझे वहां बुलाया है, और ये तो भगवान का ही आशीर्वाद है, इसमें क्या है, मुझे ज्यादा मिल गए। पुराने जमाने की बात समझ लो आप, जब 10 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। रख लेता हूँ रख लेता हूँ, चलता रहा उनके दिमाग में, चलता रहा चलता रहा। और जब जब पर्टिकुलर जगह पर पहुंच गए, उतरने का समय आया, तो पंडित जी ने क्या किया, वो 10 रुपए निकाल करके उस कंडक्टर को दे दिए कि भाऊ जी ये 10 रुपए आपने हिसाब में ज्यादा दे दिए थे, ये लीजिए आपके 10 रुपए। और पता है कंडक्टर ने क्या जवाब दिया, मैं पहले ही समझ तो गया था कि आप हमारे पंडित जी हैं, और सच में हमारे इस गांव का महाभाग्य खुल गया है, आपकी प्रशंसा तो बहुत सुनी थी, और आज मैंने आपकी नीयत भी देख ली कि आपकी नीयत कितनी साफ है। अब आपको कुछ समझ में आई क्या बात। पंडित जी ने उतरते उतरते भगवान को याद किया, हे भगवान आज तो बच गया मैं, मेरे से अनर्थ होते होते रह गया, मैं यदि गलती से इस बात को रह लेता तो मैं तो परीक्षा में फेल हो जाता। भाई साहब दुनिया भर में लोग आपकी परीक्षा करने वाले होंगे, आपके मित्र आपकी परीक्षा करने वाले होंगे, आपके सगे संबंधी आपकी परीक्षा करने वाले होंगे, समाज के लोग आपकी परीक्षा करने वाले होंगे, लेकिन आपकी नीयत आपकी नैतिकता आपकी ईमानदारी आपका सदाचार, ये आपका व्यक्तिगत है ये चीज, ये कभी भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आप सोच रहे हैं कि उसने दे दिया है, क्या है वो तो भूलिए, उसको क्या पता है, दिए है ना उसने, मैंने थोड़ी ना मांगे हैं, मैंने कुछ चुराए थोड़ी ना है, आ गया है ना मेरे पास में, कि नहीं भाई साहब तुम्हारी नीयत में खोट क्यों आ गया, तुम्हें चोरी करने का परिणाम क्यों आ गया, तुम्हें किसी दूसरे के धन को हड़पने का बचाने का टिकाए रखने का परिणाम क्यों आ गया, ये चोरी का भाव है, बचिए ऐसी चोरी से। लोग लोभ भी देंगे, लोग लालच भी देंगे, लोग आपको वो भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप कितने सदाचारी और कितने नैतिक हैं, ये आपकी दृढ़ता आपका तत्व ज्ञान ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो बात ख्याल में आई, हमारे जीवन के लिए क्या होना चाहिए, टीका पढ़ता हूं, देखो बात पूरी करें अपन। ये जीवा निपान तो यादि हरण विनिवृत्तिम कर्तुम असमर्था तई जीवे अपि नित्यं समस्तं अदत्तं अपरं परित्याज्यम्। जो जीव कुआं नदी बावड़ी आदि के पीने रूप जल से लेकर मिट्टी आदि प्रमुख वस्तुएं, जो सामान्य जनता के उपयोग के लिए होती हैं, उनके ग्रहण का त्याग करने में अशक्त हैं, ग्रहण का त्याग करने में आवश्यकता है। यार ये तो क्या है, पानी ले आते हैं यहां से ले आते हैं, हमने नल नहीं लगा रखा है, इनके यहां से भर लेते हैं इधर से भर, कोई कोई अशक्त हैं आप तो छूट है, कोई बात नहीं, सार्वजनिक होना चाहिए, उन्हें भी हमेशा उन्हें भी जल और मिट्टी की तो छूट यहां आचार्य देव ने दे दी है, उन्हें भी हमेशा दूसरे के द्वारा दी हुई वस्तुओं के अलावा अन्य समस्त वस्तुओं के ग्रहण का त्याग करना चाहिए। ग्रहण का त्याग करना चाहिए मतलब ले लेने का त्याग कर देना चाहिए, बिना दिए हुए लेने का त्याग करना चाहिए। किसी का प्रश्न मुझे यहां दिखा सामने कि साहब यदि ये परिग्रह छोड़ने योग्य ही है तो फिर मिला ही क्यों है हमारे को, इस परिग्रह की चर्चा तो परिग्रह परिमाण की चर्चा के अंतर्गत करूंगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातोश्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मी, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार,
किशनगढ़, राजस्थान।